कि राजनांद गांव में जब तीन बार हमारे प्रत्याशी आगे चुनाव लड़े और उनका हमने वेलकम किया, स्वागत किया और तन मन से तन मन धन से उनका उनके चुनाव प्रचार में हमारे कर्ता लगे लड़े हैं, हम भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राजनांद गांव से डॉक्टर आफ्ताब आलम को हमने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है, उनकी दावेदारी प्रस्तुत की है। माननीय दीपक बैस जी नांदगांव आए थे, हमने उनसे मांग रखी कि तीन बार प्रत्याशी रायपुर से आगे चुनाव लड़े थे, हमको भी एक बार नांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए और नांदगांव से डॉक्टर आफ्ताब आलम चुनाव लड़े। देखिए, जब दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसजनों की बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी हो दक्षिण से, वो दक्षिण का ही होना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो स्थानीय नेताओं की भावना है, उनकी भावना के अनुरूप ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और रायपुर दक्षिण के लिए ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो वास्तव में दक्षिण क्षेत्र की जो जनता है उनके साथ सीधे तौर पर कनेक्ट हो, कांग्रेस जनों के साथ कनेक्ट हो, लोगों के लिए लड़ने का काम जिसने किया हो, जिन्होंने 5 साल 10 साल से कांग्रेस के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ी हो, ऐसे लोगों को यदि प्रत्याशी बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। यही तो कांग्रेस में तो यही तो सबसे बड़ा मतलब एक लोकतांत्रिक पार्टी कहा जाए कि चुनाव लड़ने का इच्छुक, चाहे राजनांदगांव से हो, चाहे रायपुर के दक्षिण विधानसभा से और किसी साइड से विधानसभा से हो, वो भी मांग रहे, तो कोई इशू नहीं है। ये उत्सुकता और एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है, तो बायोडाटा सौंपे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, अपना बात रख सकते हैं। लेकिन पार्टी को ही डिसाइड करना है, टिकट तो किसी एक को मिलेगा, पार्टी को डिसाइड करना है कौन जीत सकता है, कौन मजबूत होगा, कौन कार्यकर्ताओं का पसंद का होगा, ये तो पार्टी को डिसाइड करना है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में जो एक संभावित उपचुनाव है उसकी तिथि आने वाले कुछ दिनों में घोषित होने वाली है, लेकिन तिथि घोषित हो उसके पहले ही राजनीतिक हलचलों ने यहां पर दोनों ही पार्टियों की राजनीति को सरगर्म कर दिया है। ऐसे में एक जो नई बात सामने आई है वो कांग्रेस से आई है, जहां पर कांग्रेस में अब बाहर के उम्मीदवार भी रायपुर से टिकट मांग रहे हैं और खासतौर पर राजनांदगांव की ओर से ये दावेदारी आई है। दिल्ली में दावेदार परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका दावा है कि भाई जब राजनांदगांव में रायपुर का उम्मीदवार बन सकता है तो रायपुर से राजनांदगांव के उम्मीदवार को क्यों मौका नहीं मिल सकता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या रायपुर दक्षिण में पैराशूट लैंडिंग होगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी, और ये एक दावेदार भी हैं दक्षिण के, तो उनसे राय लेंगे, उनकी बात जानेंगे और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे अनिल द्विवेदी जी। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हुआ ये है कि राजनांदगांव से भी आकर लोग टिकट यहां मांग रहे हैं। तो क्या करेगी कांग्रेस, कैसी परिस्थितियों में फंसी है, एक एक करके जानेंगे। पहले चलते हैं आकाश शर्मा जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टी में ये दावेदारी अचानक बढ़ी क्यों है। आकाश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? जी जी, आ रही आवाज। जी जी, आकाश जी आप स्क्रीन में आइए तो ज्यादा अच्छे से बातचीत हो पाएगी आपका। जी, जब तक आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि रायपुर दक्षिण में सब दावेदार आना चाहते हैं। अल्ताब आलम ने तो दावेदारी कर दी है, आप लोग क्या करेंगे, स्थानीय लोग का कहां जाएंगे जब बाहरी टिकट मांगेंगे तो? पहली बात तो मैं TV24 के मैं सम्मानित पत्रकार महोदय को नमस्कार करता हूं और बाकी भी अतिथियों को। और इसे मोहन भैया ने सवाल पूछा कि सब लोग यहाँ पर दावेदारी करें, तो पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी की ये लुप्तता है कि आज जिस सीट पे हम बिले आड़ बार से नहीं जीते हैं उसके बाद भी वहां पर कांग्रेस पार्टी के इतने सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस विधानसभा में मजबूत है। और
कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण का चुनाव जी सकती है। और रही बात दावेदारी की, दावेदारी करने का अधिकार सबको है, कोई भी पार्टी हो कोई भी दल हो, चुनाव में दावेदारी करने का अधिकार सबको है। और दावेदारी करना बहुत लोग करते हैं, क्या पता ये कर रहे हैं और अन्य दावेदार हैं, लेकिन चुनाव एक आदमी लड़ता है और पार्टी जिसे डिसाइड करती है वही आदमी चुनाव वहां पर लड़ेगा और बाकी सब मिलकर उसको जितवाएंगे, तो ये तो क्लियर बात है। लेकिन ये बात अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कुछ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का माहौल पिछले जो एक साल सरकार को नहीं हुआ है उसके बाद भी ऐसी जमीनी स्थिति ऐसा हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतने की उम्मीद रख रही है, कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत सकती है चुनाव, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं आम आदमी की समस्या है, बिजली का बिल हो गया, बढ़ता हुआ अपराध हो गया, ये बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो वहां पर चुनाव हम जी सकते हैं। और फिर ये बात कहूंगा कि पार्टी लीडरशिप उसे डिसाइड करेगा, वो चुनाव वहां पर लड़ेगा और सब मिलकर उसे चुनाव को जितवाएंगे। आज आप लोग की बैठक थी, इस बारे में कुछ बात हुई क्या कि बाहरी को नहीं देना है स्थानीय को देना है, ये तो तय हुआ होगा? इस प्रकार कोई भी चर्चा कांग्रेस पार्टी में नहीं है कि बाहरी को देना है, हमारी चर्चा इस बात पे है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की रणनीति चुनाव में क्या रहेगी। पिछले तीन जब से उपचुनाव होने की जब से वहां के विधायक सांसद बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर जाकर कार्य कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने बूथों को दुरुस्त कर रही है पिछले तीन महीने से, कांग्रेस पार्टी अपने अनुभागों को दुरुस्त कर रही है, कांग्रेस पार्टी सामाजिक स्तर पर नीचे लेवल काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत जमीन लेवल पे रायपुर दक्षिण को में कार्य कर रही है। और इसी बात को दिखाता है बड़े हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं को, हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को अपने हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़े हुए लोग हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक वार्ड की जिम्मेदारी ली है ताकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कर सके। और जो हमारा कार्यकर्ता है वो उत्साह से भरा हुआ है हमारा कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी बात है जो आम जनता है जो रायपुर दक्षिण की जरूरतमंद चीजें उसे आज भी वंचित है, और जहां 8 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे माननीय बिलमोहन अग्रवाल जी, उसके बाद भी जो जरूरत की चीजें हैं रोड नाली बिजली पानी इसके लिए भी आज भी वहां के लोग परेशान है, जल भराव की स्थिति हो जाती है इसके बाद भी, लेकिन और हमारी रणनीति जो बूथ स्तर में कांग्रेस पार्टी की रणनीति है बन रही है और आने वाले चुनाव में इसकी दिखेगी भी। आएंगे इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दावेदारों को लेकर चर्चाएं गर्म है इसलिए हमने पहला सवाल कांग्रेस से ले लिया। बीजेपी की ओर चलते हैं, बीजेपी आखिर क्या कर रही है? ये कांग्रेस में पैराशूट लैंडिंग तो हम देखते रहे हैं, पिछले बार राम सुंदर दास जी लड़ दिए थे, इसके पहले और कोई लड़ा, इस तरीके से कांग्रेस में होता है। आप लोगों के यहाँ क्या होगा इस बार? तो बीजेपी में पैराशूट लैंडिंग होगी ऐसी चर्चा है, कैसे संभालेंगे पांडे जी आप लोग? मोहन जी आपको, आकाश भाई को और अनिल भैया को। देखिए जो कांग्रेस पार्टी में आप पैराशूट लैंडिंग बोल रहे हैं, पैराशूट लैंडिंग के साथ एक और सब्जेक्ट आ रहा है, चूंकि राजनांदगांव से रायपुर के लोग चुनाव लड़ते हैं इस कारण हमको चुनाव रायपुर में लड़ना है, यहाँ कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, चूंकि ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसा प्रचलन फिर से चले, क्योंकि पैराशूट लैंडिंग विधानसभा में भी हमने देखा लोकसभा में देखा, अगर ऐसा अगर ये स्थिति बनती है तो मैं चिंतित हूँ हमारे भाई आकाश के लिए कि कहीं इनकी राजनीतिक भ्रूण हत्या करने की साजिश तो नहीं करी जा रही। आप अपनी बताइए। हाँ मैं बता, मैं पहले इस पे चर्चा कर लूँ। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं परिक्रमा से फिर पराक्रम हारने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित सभी देखें। दूसरा आपने बोला कि आपके यहाँ, देखिए अभी तक रायपुर दक्षिण जो है हमारे आदरणीय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी लड़ते थे और लगातार 8 बार से वहाँ विजय श्री प्राप्त करे, और इस बार तो 5 साल की इनकी सरकार थी, जनता ने ऐसा प्रेम और स्नेह दिया भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन अग्रवाल जी को, क्योंकि 5 साल के जो विनाश का कालखंड इन्होंने लिखा उससे प्रताड़ित होकर जनता ने शानदार प्रतिसाद पूरे प्रदेश में दिया, खास करके रायपुर दक्षिण की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया। अब रायपुर दक्षिण में हमारी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा? हमारी तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो रायपुर का होगा, स्थानीय होगा, और प्रदेश की जो हमारे आला कमान है मतलब शीर्ष नेतृत्व वो तय करेंगे, लेकिन कोई बाहरी तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीजें स्पष्टता से अगर जनता के बीच में जा रही है, देखिए रायपुर दक्षिण को समझना है तो पहले आपको रायपुर दक्षिण के भाव को समझना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी और रायपुर दक्षिण के साथ भाजपा एक दूसरे के पूरक के रूप में लगातार 8 बार से काम कर रहे हैं।
प्रदेश की जनता के लिए और रायपुर दक्षिण की जनता के लिए हमने बहुत काम किया, लेकिन एक बात से सहमत हूँ आकाश भाई से कि जल जमाओ नगर निगम में लगातार आप बैठे हो, इसकी भी चिंता नहीं करते, उसका भी ठीकरा हम पे फोड़ना चाहते हो, ऐसे कैसे संभव है? लेकिन आपने स्वीकृति दी, ये बहुत बड़ी बात है आकाश भाई, आप इसके लिए आवाज उठा रहे हो उसके लिए साधुवाद, लेकिन आप प्रयास करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि परिक्रमा से पराक्रम हार जाए। ठीक है, चलिए इस पर नजर बने रहेगी और हम दोनों पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार दे ताकि हम लोगों को भी जो है ये चर्चा करने में सहूलियत हो कि स्थानीय है तो मुद्दे को ज्यादा अच्छे से समझेगा। अनिल जी की ओर चलते हैं और इस पूरी उठापटक को, इस पूरी राजनीति को वो लंबे समय से देखते रहे हैं, एक बार फिर से उनसे विश्लेषण समझते हैं कि रायपुर में राजनांदगांव के दावेदार आकर टिकट मांग रहे हैं, यहाँ खुद ही वैसे 20 जन की लिस्ट तैयार है दावेदारों की, इन दावेदारों का आखिर होगा क्या? आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को अनिल जी? देखिए मोहन जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आ चुके हैं और उसके बाद बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, वो आकाश में उड़ रही है क्योंकि हरियाणा जीता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को भी ठीक है थोड़ी सी संजीवनी मिली है, लेकिन है तो निराश क्योंकि छः सीटें ही मुश्किल से मिल सकी हैं और जम्मू कश्मीर में भी सरकार ठीक है वो बना लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते। तो ये राजनीतिक माहौल है और इसलिए इस माहौल के बीच में 3-4 महीने के अंदर रायपुर दक्षिण में चुनाव होने हैं और ये तो सब जानते हैं, भाजपा और कांग्रेस भी जानती है कि रायपुर दक्षिण सीट पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। रायपुर के धुरंधर बीजेपी के नेता रहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो अब लोकसभा सांसद भी बन गए, देश में 10 बड़ी जीत उनको हासिल हुई है और विधायक के तौर पर भी वो 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो ऐसा है नहीं, लगातार 7-8 बार चुनाव जीतने के बाद भी यह 35 साल तक बीजेपी का कब्जा दक्षिण में बना हुआ है, कांग्रेस इसमें सेंध नहीं लगा पाई है। उसके जो धुरंधर नेता तो वे खेत होते चले गए, ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने कोई जीत नहीं सका, चाहे वो राजकमल सिंघानिया हो, चाहे स्वरूप चंद जैन हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, और ये सीट कांग्रेस के लिए बड़ा अनसुलझित गणित पहेली बन चुकी है कि इसको जीता कैसे जाए। और ऐसे में यदि कांग्रेस सोच रही है कि बाहर से आकर के कैंडिडेट उतारेंगे तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत बड़ी कमजोरी होगी पार्टी की। बहुत से युवा नेता हैं कांग्रेस में, उनको पार्टी टिकट दे सकती है और रायपुर दक्षिण से चुनाव जितवा सकती है। हालांकि ये सरकार बीजेपी की है छत्तीसगढ़ में और रायपुर दक्षिण की जनता बड़ी समझदार है, वो ऐसे में तो कोई विपक्ष का विधायक चुनेगी नहीं जब तक कि कोई बहुत कमजोर कैंडिडेट बीजेपी ना दे। ऐसे में यहाँ की जनता चाहेगी कि वो सरकार के साथ जाएगी ताकि 5 साल उसका रायपुर दक्षिण नहीं, का नहीं, ये दावेदार जो आ रहे हैं इसके लॉजिक क्या दिखता है? क्या कांग्रेस में कुछ अंदर खाने चल रहा है इसलिए ये दावेदार राजनांदगांव से आ रहे हैं? वो एक तरीके से विरोध जताने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? अब जो भी हो मोहन जी, ये तो पार्टी में कोई भी नेता, आप और हम भी हो, वो भी दावेदारी कर सकते हैं सीट के लिए, टिकट के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्या वो चेहरा जीतने योग्य है, क्या पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। हालांकि एक सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो सरकार बना लेगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन और बीजेपी भी हार जाएगी तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसे, लेकिन इसकी संभावना बीजेपी का, लेकिन इससे 99% तो ये तय है कि दक्षिण की सीट है और बीजेपी ही इसको जीतेगी। हाँ, बीजेपी में एक चीज जरूर है कि उसका अपना केडर है, आरएसएस की शक्ति है, बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता है, इससे कांग्रेस को लोहा लेना है, इससे मोर्चा लेना है और ऐसे में वो कहां टिक पाती है ये आने वाला समय बताएगा कि इसको किस तरह रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, आकाश जी आप युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, यहाँ दक्षिण में दावेदारी भी कर रहे हैं, पार्टी में भी अब युवाओं को मौका देने की बात हो रही है, क्या माने पार्टी क्या किस तरीके के अंदर चल रहा है, पार्टी किसे मौका देगी, कोई क्राइटेरिया बना है क्या, मापदंड बना है जिसके आधार पर कांग्रेस टिकट तय करेगी? मैं सबसे पहले तो मैं बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि दावेदारी कोई भी कर सकता है, पार्टी डिसाइड करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तमाम हमारे अनुभवी हमारे प्रभारी जी सचिन बड़े जी ने कहा है, हम पार्टी के बहुत सारी एक्सरसाइज सर्वे हो गया, बूथ संगठन का कार्य हो गया, सब चलते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा एक दावेदार, अच्छा एक कैंडिडेट निकल के आएगा कांग्रेस पार्टी से और सब मिल के हम लोग उसे जिताएंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे भैया आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता से कि सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या ब्रजमोहन अग्रवाल के पसंद का कैंडिडेट देंगे कि ब्रजमोहन अग्रवाल के विपरीत कैंडिडेट देंगे? क्योंकि जो अंदर खाना चर्चा आ रही है, चर्चा ये है क्या ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पसंद का कैंडिडेट होगा, क्योंकि कई बात आ रही है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पसंद कैंडिडेट नहीं हो तो क्या वो, क्योंकि याद रखिएगा ये बात मैं मानता हूँ कि पिछले 8 बार से ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर जीत रहे हैं और क्या उनके पसंद का कहा जा रहा है कि हर पार्षद जो है दावेदार हो चुका है,
शंकर नगर से लेकर टाटी बंद तक का हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में दावेदार बन चुका है। क्या ऐसा है तो नहीं कि कई बता रहे कसडोल से भी दावेदार, जो जो कसडोल चुनाव लड़ चुके हैं वो भी दावेदार बन रहे हैं। तो हमारी चिंता करने की बात है, ये जवाब देना चाहिए कि क्या ब्रिमोहन वाल जी आपके साथ रहेंगे, क्या उनके हिसाब से टिकट मिलेगा, क्या आप किसको देंगे, कितने हर वार्ड के जो पार्षद हैं वो आपके दावेदार बन चुके हैं। तो ये सवाल चिंता भाजपा को भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। और क्या है दक्षिण में वाकई मैं बात बोल सकता हूँ कि अगर 40 साल रहने के बाद भी जल भराव जैसी स्थिति है और 8 महीने की सरकार ने बढ़ती हुई बिजली बिल, बढ़ता हुआ अपराध और जिन्होंने रायपुर शहर को झकझोर दिया, ऐसा हमारा रायपुर नहीं था और 8 महीने की सरकार ने जो उसके बाद भी आप सोचेंगे कि जनता जो है आपको वोट देते रहे, जनता की मूलभूत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जनता को कानून अपराध से डरा हुआ जगह जाएगा, रायपुर जनता को, रायपुर दक्षिण की जनता को बिजली का बिल से वसूला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता रहेगा, तो मुझे लगे बात जमी नहीं आपका, है आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं पांडे जी। एक सवाल तो ये भी बनता है कि आप लोगों के यहाँ भी तो लिस्ट है, उसमें बाहरी है, गौरी शंकर अग्रवाल का नाम है, कसडोल से आकर लड़ सकते हैं, इस तरीके के नाम है, तो केवल कांग्रेस को हम कटघरे में नहीं खड़ा सकते, पैराशूट लैंडिंग दोनों ओर से हो सकती है, आप लोग इसके लिए क्या बनाएं, कुछ नियम बनाते हैं, बीजेपी में तो नियम बनते हैं सब। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और जो आपने कहा एक भी स्टेटमेंट दिखा दी जो कांग्रेस पार्टी का आ रहा है और हमारी पार्टी का एक भी स्टेटमेंट दिखाई। अभी दूसरी बात आकाश भाई ने कहा कि ब्रिजमोहन जी के पसंद का, देखिए आकाश भाई मैं आपको बताता हूँ हमारी पार्टी और आपकी पार्टी का डिफरेंस क्या है। व्यक्तित्व सबसे नीचे है, पार्टी दूसरे स्थान पे है और राष्ट्र सबसे प्रथम पे है। तो आप जो बात करें कि 35 साल से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कमल के फूल के निशान, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ते थे और वास्तव में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जन जन के नेता हैं, सिर्फ रायपुर दक्षिण के नहीं पूरे प्रदेश के वो जन नेता हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात पसंद की, तो 35 साल की जिनकी राजनीति है उस उनके कितने लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेके राजनीति में आए हुए हैं, उनसे सीख के आए हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक बीच का कार्यकर्ता होगा और पसंद आपकी क्या बात होती होगी नहीं मालूम मुझे, लेकिन देखिए अगर ये उंगली है या ये उंगली है तो अपने शरीर का अंग है, इसमें से दोनों में से कोई भी एक आएगा तो हमारे ही परिवार का हिस्सा होगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से कहता हूं, बाहरी नहीं होगा, वो वहीं का होगा। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने जो अपना बात कहा कि देखिए 5 साल में प्रदेश की जनता ने क्यों नकारा, अपराध का गढ़, नशे का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, ये सारी स्थिति आपने बनाई और जनता के सूझबूझ पे आप प्रश्न चिन्ह बिल्कुल मत खड़ा कीजिए। जनता ने अभी 2 बार 23 में विधानसभा और 24 में लोकसभा में आपको जवाब दिया है अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप भ्रम में रहना चाहते हैं, अफवाह में रहना चाहते हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है आकाश शर्मा जी, अगर आप उतरते हैं बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़े नेता को उतरना चाहिए तो मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपको कहता हूं, दीपक बैज जी को उतार दीजिए, आपके पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़ा नेता तो अभी आपके पास नहीं है, पीसीसी के चीफ वही है, उतार दीजिए। तो स्थानीय की तो बात हो रही है, तो स्थानीय कहाँ है वो? राजनांदगांव से आ सकते हैं तो वहां से भी आ सकते हैं और पीसीसी चीफ तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जब अमेठी का वहां जाके लड़ सकते हैं, क्या नाम है केरल में, तो यहाँ भी पीसीसी चीफ आके रायपुर दक्षिण में चुनौती दीजिए ना, अच्छे ताकत से दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर रायपुर दीपक बैजी का छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का ताकत से चुनाव लड़ेगा रायपुर दक्षिण में और रायपुर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी झंडा जो है ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी साथी कर रहे हैं, निश्चित रूप से 8 पहले में आप लोगों ने वादा किया था कि अपराध कम होगा, रायपुर चाकूपुर बन चुका है, घटना जो है लोग गाड़ी में चेंज खींचते थे, चलते हुए गाड़ी खींचते हैं, 10 सेकंड देंगे, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा आकाश जी, देखिए वो मुद्दों पे आएंगे बाद में, लेकिन अभी आकाश जी मेरा कोई घमंड नहीं है, देखिए हमारे सरपंच ने आपके पीसीसी चीफ को हराया है चुनाव, ये कोई घमंड नहीं है, हमारे सरपंच ने आपको पीसीसी चीफ को चुनाव हराया है, उनके गढ़ में घुस के हराया है, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि रायपुर दक्षिण में ब्रिजमोहन जी के, आप देखिए ब्रिजमोहन जी का एक स्वरूप बदला है, भूमिका बदला है, पहले वो अर्जुन के नहीं, लेकिन उनकी पसंद को क्या तरजीह दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी मोहन जी, पहले वो अर्जुन के रूप भूमिका में वो खुद ही चुनाव लड़ते थे, अभी श्री कृष्ण के रूप भूमिका में सारथी के रूप में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सारथी के रूप में रायपुर दक्षिण जीत के और ऐतिहासिक बहुमत से जी, लेकिन अर्जुन तो उनकी पसंद का दो,
अरे मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उसी परिवार से उम्मीदवार होगा। आप कैसे बोलते हैं वो नापसंद है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं। गिरीश देवांगन को उठा के राजनाथ गांव लड़ा देंगे, सिंधरिया को जानकी लड़ा देंगे, तामसर साहु को महासमुंद लड़ा देंगे, देवेंद्र यादव को बिलासपुर लड़ा देंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो जिताऊ कैंडिडेट है, और रायपुर दक्षिण तो और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक आज से नहीं 35 वर्षों से हैं। चलिए पुनः प्रयास कीजिए पूरे ताकत के साथ। अनिल जी क्या समीकरण देख रहे हैं? ऐसे में दबाव तो बन रहा है, बाहरी शायद ना आ पाए क्योंकि अंदर पे भी दबाव बन रहा है और क्रिटिसाइज भी होगा अगर किसी बाहर को उम्मीदवार बना तो। दोनों पार्टियों में क्या देखते हैं अनिल जी से? देखिए मोहन जी, कांग्रेस को तो ये कम से कम रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी तो आकाश शर्मा जैसे युवा और मेहनती और ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनके पास ऐसे लीडर हैं जिनको पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, तो फिर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आकाश शर्मा ने अपनी इमेज बनाई है और ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं और भी ऐसे नेता हैं। कांग्रेस को तो कोटे के तहत देने भी चाहिए टिकट। कांग्रेस ने पिछले चुनाव जो है युवा छवि के आधार पर ही जीता था, एकदम यंग लड़के आए थे। आप देखिए विधायक बन गए थे संदीप साहू, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, ऐसे आकाश शर्मा जैसे लोग भी हो सकते हैं। पार्टी को उन पर जो है किस्मत आजमाने का मौका देना चाहिए। देखिए मोहन जी, आपको याद होगा कि अभी दो तीन महीने पहले रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने बोला था कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा रायपुर दक्षिण से। ये दर्शाता है कि क्या वो तैयार है कि पार्टी उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दे या उनकी तरफ से कोई भी कैंडिडेट सामने आएगा तो चुनाव प्रचार तो बृजमोहन को ही करना है। छवि बृजमोहन जी की दांव पे लगी होगी, इज्जत उनकी दांव पर लगी होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान भी देखेगा कि बृजमोहन ये सीट जिता करके दें। और इसीलिए दो तरह की बातें आ रही हैं कि क्या अगर बृजमोहन जी की पसंद का भी कैंडिडेट आता है तो क्या वो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा? होगा। बात जब पुरंदर मिश्रा जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ा सकती है और बकायदा वो जीतते हैं भारी वोटों से, तो ये बीजेपी में निशिकांत पांडे जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता उन्हीं मेहनत का परिणाम है कि वो सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं अब तो कमल का फूल है, उसको जिताना है। ये जो मार्मिकता है, ये जो दिल का साहस है, ये जो दरिया दिली है, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिताएंगे, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो रायपुर का लोकल हो? नहीं है। ये बृजमोहन और रायपुर दक्षिण के मामले में तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कई कांग्रेस ही उनकी मदद करते थे चुनाव जीतने में। ये बात तो उन्होंने खुलेआम कह चुके हैं कि रायपुर के कांग्रेस नेताओं को भी अप्रत्यक्ष तौर पर साधुवाद, जिन्होंने मुझे चुनाव जितवाया। तो अगर ये स्थिति कांग्रेस में है तो ये चिंताजनक है और इसलिए बीजेपी पूरी तरह इसमें पूरी तरह आत्मविश्वास से भरपूर है कि रायपुर दक्षिण में 40 साल से हमारा कब्जा था और हम उसको बना करके रखेंगे। और सरकार होने के चलते तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस है बीजेपी का। हरियाणा भी जीत चुकी है, वहां तो हरियाणा में कांग्रेस के सारे दावों को खारिज कर दिया वहां की जनता ने। जातिवाद तक हवा हो गया, वहां पर नहीं चल पाया पार्टी का। तो इस तरह बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाने से बचती है और उसका जो राष्ट्रवाद है, उसका जो हिंदुत्व है, ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस इससे कैसे जूझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आकाश शर्मा जी, बड़ी चुनौती है, दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? एक तो बाहर से भी लड़ना है बीजेपी से और अपनों से भी लड़ना है जो दावेदारी कर। बोलना चाहता हूँ, जो 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इसे आम रायपुर दक्षिण की जनता इससे परेशान हुई है, मैं बात कहना चाहता हूँ और दावे से बोलना चाहता हूँ। निश्चित रूप से 40 साल से हमारी सीट हारी हुई सीट है, लेकिन कोई चीज जो है नामुमकिन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, मैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, हम 254 बूथों में जाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत रहे काम करेंगे। और 40 साल बाद दक्षिण का किला ढहेगा और कांग्रेस पार्टी की वापसी छत्तीसगढ़ में यही रायपुर दक्षिण से होगी। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कोई अलग होगा, सिम्बॉल पंजे का सिम्बॉल रहेगा। और जो जनता के बीच हम लोगों ने 9 महीने की सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाके कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ते हुए बिजली के बिल को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जनता हमारे साथ खड़े रहेगी। और जो ये 1000 रुपए का महतारी वंदन का पैसा महिला हमारी महिला बहनों को देते हैं और उल्टा 1000 रुपए देते हैं और 2000 रुपए बिजली बिल के बाद के नाम से निकालते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे जनता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच। अभी क्या करने वाले हैं? आज कुछ तय किया आप लोगों ने? सम्मेलन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? केवल 1 महीने का समय बचा है समझ लीजिए महाराष्ट्र चुनाव के हिसाब से जो जानकारी आ रही है।
ये पूरा कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है। पिछले दो महीने से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं को, मैं खुद एक दावेदार हूँ, लेकिन मैं एक वार्ड का प्रभारी हूँ और एक वार्ड के प्रभारी जाके मैंने बूथ लेवल पे जाके बूथ को हम लोगों ने दुरुस्त किया। हमारे बूथ के कार्यकर्ता चार्ज है, 40 साल से हमारा विधायक नहीं है, उसके बाद भी रायपुर दक्षिण में हमारे बूथ का कार्यकर्ता जो है हिम्मत से खड़ा है और हर बूथ में जाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के खड़ा है वो, और सभी बूथों में जाके हम बूथ को अपने ठीक किए हैं, बूथ की कमेटी को ठीक किया, अनुभाग लेवल तक हमारी बात चल रही है। हम भी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हमारे भी जो प्रदेश भर के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जितने कांग्रेस के नेता वे एक होकर एक मंच में हम लोग अलग अलग वार्ड जमीन में उतर के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे कार्यकर्ता और सबसे बड़ी बात हमारे 254 बूथ के कार्यकर्ता रायपुर दक्षिण के उसको अपने बूथ को मजबूती से संभालेंगे और इस बार हम लोग दक्षिण का किला जीत के आएंगे। बिल्कुल, काफी मजबूत गढ़ इसलिए भी है क्योंकि पिछले चुनाव में 9 महीने पहले जो हुआ है उसमें 60,000 की लीड है बीजेपी को, 67,000 की लीड है। चलिए पांडे जी, अब इतनी लीड है कितना कम होगा, आप लोग तो ज्यादा इसीलिए मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देखिए प्लान पूरा बना के बैठे हैं मोहन जी, अगर कमेटी बना रहे हैं मोहन जी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को और चुनाव को हल्के में लेने का सोचता है कि हम लोग कोई चुनाव हल्के में लेते हैं तो ये उसकी गलतफहमी है, उससे बाहर आ जाए। हरियाणा के परिणाम बताते हैं कि हमारा संघर्ष और जो प्रयास है और कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है उसकी प्रकाष्ठा करते हैं। रही बात रायपुर दक्षिण की, देखिए 9 महीने की हमारी सरकार है, हमने जो जो वायदे किए थे उसको इम्प्लीमेंट कराया और नए कार्य योजनाओं पर काम कर रहे हैं, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अभी एक चीज मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि रायपुर दक्षिण में आपको मालूम है 11 पार्षद हैं कांग्रेस के, 7 हैं भाजपा के, उसके बाद 67,000। और मैं एक चीज और दावे के साथ आपको कहता हूँ, कोई घमंड में नहीं कह रहा हूँ, ये अपना पुरुषार्थ पे कह रहा हूँ कि हमारे जो कोटि कोटि कार्यकर्ता है ये 67,000 बढ़ के लाख तक जा सकता है इस बार, आप देखिएगा। उपचुनाव में इतना, उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को आप देखेंगे रायपुर दक्षिण के परिणाम में, शानदार ऐतिहासिक। इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो अपना सबसे अच्छा बैट्समैन मानती है, जिसको सबसे अच्छा ओपनर मानती है, उसको उतारे वहाँ। इस बार इस बात पर भी नजर रहेगी कि लीड कम हो रही है या ज्यादा, जीत हार से ज्यादा इस पर निगाह रहेगी। अनिल जी आखिरी टिप्पणी क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, ठीक है जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार है और अहंकार में। चलिए आज तो हम दावेदारों पर ही बात कर रहे हैं, लीड पे एक बार और बात करेंगे। अनिल जी आखिरी टिप्पणी क्या देखते हैं, पूरा राजनीतिक समीकरण दोनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद? देखिए मोहन, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किए हैं उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह आना एक बड़ा वोट बैंक का माध्यम है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। फिर पीएम आवास है, फिर किसान सम्मान निधि है, फिर और भी इस तरह की जो योजनाएं 60,000 के ऊपर इन योजनाओं का, देखिए इन योजनाओं का लाभ आने, जब आप जब पार्टियां राजनीतिक वोटर के पास जाती है तो वोटर बोलता है हमको मिल क्या रहा है, तो बीजेपी की तरफ बोलेगा कि भाई हमको कम से कम इतना तो मिल रहा है। और कांग्रेस ने भी ये वादे किए थे हरियाणा चुनाव में, किया इन वादों को, लेकिन जनता ने उस पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 18,000 रुपये साल देंगे और 1,500 रुपये, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के भरोसा नहीं किया, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो वादे पूरे नहीं किए ना उसका एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इसके ऊपर बीजेपी जानती है कि उसे नगर निगम चुनाव में उतरना है, पंचायत के चुनाव में उतरना है, रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में उतरना है, तो वो जनता को इतना दे रही है, इतना कि वो आर्थिक तौर पर समृद्ध हुए हैं, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ेंगी। और इसका वो काट कैसे खोजती है, वो क्या घोषणाएं करती है रायपुर दक्षिण में, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा उसको जीतने। ठीक है, चलिए इस पर निगाह बने रहेगी। फिलहाल दावेदारों की रस्साकसी दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है और कांग्रेस में तो ये सब ज्यादा होता है, इसलिए सामने कुछ चीजें आई हैं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा होगी तो और ज्यादा तस्वीर साफ होगी, उस समय एक बार और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद, और आकाश शर्मा ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।